पर जितने सूक्ष्म है उतनी ही पावरफुल है और अदृश्य भी है। और सेवाएं तो हमें दिखाई देती हैं कि हम कर रहे हैं, उसका कई बार हमें सामने प्रमाण भी मिलता है, लेकिन मनसा सेवा तो वाइब्रेशंस के स्तर पर होती है और मन के वाइब्रेशंस तो हमें दिखाई नहीं देते हैं क्योंकि सूक्ष्म है, लेकिन उसके भी परिणाम हैं। और वो परिणाम जब हम योग का प्रयोग करते हैं तो हम अनुभव भी करते हैं। तो हम ये भी देखते हैं कि विज्ञान में जितना सूक्ष्म जाता है उतना ही पावरफुल होता जा रहा है, और इसीलिए मनसा सेवा भी जितनी सूक्ष्म है उतनी ही पावरफुल है। देखो हम कई साधन देख सकते हैं, जैसे फोन हम यूज करते हैं आजकल, जब फोन शुरू हुए थे तो फोन का जो सेट था वो कितने बड़े साइज का था, एक ही स्थान पर उसे रखा जाता था, किसी का फोन आया है तो वहीं जाकर के बात करनी है, और वो भी कई बार इतना सहज नहीं, फोन बुक करने पड़ते थे। अगर किसी को ट्रंक कॉल करना है, स्टडी कॉल करना है, तो बहुत कठिनाई होती थी उसके अंदर। फिर जैसे जैसे विज्ञान ने उन्नति की तो फिर कॉर्डलेस फोन आ गए, आप अपने ही घर के अंदर कहीं भी बात कर सकते हैं, उसी स्थान पर जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा मोबाइल बुक करके कहीं भी घर में बात की जा सकती है। फिर और आगे बढ़ा विज्ञान तो वो कॉर्डलेस किसमें परिवर्तन हो गए, मोबाइल में। तो पहले जब मोबाइल फोन आया तो उसमें सब सुविधाएं नहीं थी, लेकिन कहीं भी ये सुविधा हो गई कि आप कहीं भी घर से बाहर भी जहाँ भी आप हैं आप उस फोन से बात कर सकते हैं। लेकिन आकार कितना हो गया, बहुत छोटा, कि हाथ में उसे पकड़ा जा सकता है। और फिर और उन्नति की तो अब उस छोटे ही मोबाइल में कहेंगे सारी दुनिया है, अगर इंटरनेट है, स्मार्टफोन है आपके पास, तो सारी दुनिया आपकी मुट्ठी में है, उसमें सब फंक्शन है, उसमें कैमरा है, उसमें वीडियो है, उसमें ऑडियो है, उसमें टॉर्च है, उसमें घड़ी है, क्या नहीं है, और कितना छोटा है। तो जितना सूक्ष्म हो गया उतना उतना पावरफुल हो गया, सही कहेंगे। तो ये भी मनसा शक्ति भी ऐसे ही है कि हम एक स्थान पर बैठे हुए भी पूरे विश्व की आत्माओं तक जो वाइब्रेशंस फैलाना चाहे, शांति के, शक्ति के, गुणों के, वो हम फैला सकते हैं।